आज हुई गोली, तब हम लोगों ने जान पाई, तब तक कुछ नहीं जान पाया। हमारी दो बहनों की हुई, एक बड़ी वाली और छोटी। परिवार वालों ने की है, खेती की रंजस चल रही थी। दो बहनों की हत्या से इटावा दहल गया है। इस मामले में हमने कप्तान साहब के आवास पर आकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने अभी इस मामले में बातचीत करने से हमसे मना कर दिया। संदीप, ईटीवी न्यूज, इटावा।